हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे रात के चावलों से ऐसा स्वादिष्ट और टेस्टी नाश्ता जिसे देखते ही आपको तुरंत बनाने का मन करेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक कप बेसन और आधा कप पानी। जितना मतलब आपका बेसन है उसका आधा आपको पानी डाल देना है। अभी थोड़ा बैटर गाढ़ा है पर इसके अंदर पहले हम चावल मिक्स करेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो यहाँ पर दही को भी मिक्स कर सकते हैं। तो दही को ऐड करने के लिए आपको लगभग आधा कटोरी दही लेना होगा। मैंने यहाँ पे पानी का ही यूज किया है क्योंकि हमें खट्टे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पानी का ही यूज किया है। तो अब जितने मैंने चावल लिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो देखिए, पीसने के बाद भी अभी भी हमारा थोड़ा बैटर गाढ़ा है। ये प्रॉपर चिल्ले जैसे डोसा के जैसे चिल्ले बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इसके पहले मैंने ये ऐड किया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा जीरा, और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी मिलाएंगे और बैटर के अंदर थोड़ा पानी भी मिलाएंगे। तो जार को धो करके मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इस मिश्रण को मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं मिश्रण की कंसिस्टेंसी कैसी है। बस इसकी कोटिंग जो है स्पून पे हो रही है, मतलब आपका मिश्रण जो है वो सही से तैयार है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है। तो अगर आप भी सिंपल तवे पे या फिर नॉन स्टिक तवे पे इस तरह के डोसे जैसे चीले बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का बैटर चाहिएगा। उसके अंदर बेसन के अंदर आपको चावल, पोहा, सूजी किसी का भी ऐड करना होगा तो आपके बिल्कुल डोसे जैसे चिल्ले बनेंगे। ये मैंने चटपटा मसाला डाल दिया है जो कि मैंने घर पे तैयार किया हुआ था। ये मैं सब्जियों में भी यूज करती हूँ और मैंने इसके अंदर भी डाल दिया ताकि थोड़ा चटपटा फ्लेवर हमारे चिल्ले का आए। तो ये डोसे जैसी बहुत ही स्वादिष्ट सी मसाला चिल्ले हम बनाएंगे और उसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स का भी यूज करेंगे। तो बैटर हमारा तैयार है और जो हमने नहीं मसाला डाला था उसको मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि मसाले को मैंने पहले जार के अंदर नहीं डाला था, वरना तो ये मिक्स होके ही आता, नहीं तो अब मुझे स्पून से इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखिए सब्जियों में मैंने थोड़ा पनीर लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज और अनार के दाने, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर चोपकी हुई टमाटर और धनिया। तो इस तरह से आपको सब्जियों को चॉप करके रखना है और आपको इसके अंदर चिल्ले के अंदर फिर आपको डालना है। तो अभी देखिए मैंने एक स्पून बैटर लिया है और इसको इस तरह से फैला दिया है। तभी को अच्छा गर्म करेंगे, फिर एक कपड़े से, कॉटन के कपड़े से थोड़े पानी के छींटे डाल करके पोंछ लेते हैं, उसके बाद बैटर को फैला देते हैं। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा चिल्ला हमारा बन करके तैयार होगा और बिल्कुल से क्रिस्पी और एकदम डोसे के जैसा ही बनेगा। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया इसके ऊपर से ताकि ये तवे से इसकी परत जो है छूटने लगे। तो ये धीरे धीरे करके इस तरह से अच्छे से पक रहा है। आप चाहे तो इसको दोनों तरफ से भी अच्छे से सेक सकते हैं, आप चाहे तो इसे वन साइड में ही सेक सकते हैं। तो देखिए थोड़ा मैंने तेल डाल करके दो दो चार चार बूंद और चारों तरफ इसके फैला दिया ताकि इसकी कॉर्नर्स ना छूट जाए। तो इस पे ज़्यादा आपको तेल घी की ज़रूरत नहीं होगी, हल्का सा चम्मच से एक एक बूंद इसके चारों तरफ में लगा दी। जैसे ये हल्का हल्का गोल्डन होने लगेगा तो आपको नीचे से कॉर्नर साइड से दिख जाएगा, तो आप उस हिसाब से इसको पलटेंगे। मैं इसको दोनों साइड से सेकने वाली हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो मैंने इस पे जो मसाला था चटपटा वो पहले डाल दिया थोड़ा सा, उसके बाद हम इस पे डालेंगे
अपने सारे वेजिटेबल। तो पहले मैं इसकी कॉर्नर छुटा करके इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। ये पूरा अच्छे से छूट गया ना। अब आप इसका कलर देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। और दूसरी साइड से थोड़ा सा बेक करेंगे, उसके बाद हम वेजिटेबल यूज करेंगे। तो चाहे तो जैसे डोसे को हम वन साइड ही सेकते हैं, वैसे भी आप रख सकते हो, क्योंकि ऊपर की लेयर भी बहुत पतली होती है, ये सिक जाती है। पर मैंने इसको देखिए आप नीचे से भी हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे, फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे शादी पार्टी में पतले पतले बारीक चिल्ले होते ना, ठीक वैसे ही बन करके हमारे रेडी होंगे। टेस्ट में भी बहुत गजब के हैं। तो आप जब चाहे फटाफट में नाश्ता बनाना, या फिर आपके पास में रात की चावल बच जाए तो आप उनको ऐसे यूज कर सकते हैं। चावल के साथ थोड़ा सा बेसन मिक्स कीजिए, अच्छा सा बैटर तैयार कीजिए, फिर वेजिटेबल डाल करके और इस तरह से चिल्ले बना लीजिए। इस चिल्लों को आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। मैंने थोड़ा सा पनीर डाला है, थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्च, थोड़े से अनार के दाने, खीरा, प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल करके सब्जियां, और एक मिनट तक इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ऊपर से अब चाट मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, ये भी डाल सकते हो इसके अंदर। और फिर अच्छे से इसको फोल्ड करके चटनी, नारियल की चटनी के साथ, दही के साथ, सांभर के साथ आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। वीडियो हमारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चिल्ले हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा और बना करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इस तरह के चिल्ले ट्राई किए तो आपके कैसे बने। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम से क्रिस्पी बना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप नए हो तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे शादी पार्टी में कट करके देते हैं, उसी तरह हम इसे कट करके आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने वेजिटेबल नारियल की दही के साथ चटनी तैयार की है, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, खाएंगे और सबको घर में खिलाएंगे। तो जितना बैटर मैंने तैयार किया था ना, उससे लगभग 7 से 8 डोसे बन जाते हैं, इतने सारा बैटर था। खाने में बहुत टेस्टी है, लाजवाब है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।